हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं मेरा टेक्निकल चैनल तिशु मिशु। क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है? नहीं। तो कर दो यार, ये बिल्कुल ही फ्री है। अगर आप नहीं चाहते कि दूसरा बंदा आपके फ़ोन की किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाए तो ये ट्रिक आपके लिए है। उसे लगेगा कि ये आपका फ़ोन हैंग हो गया है। आप दो ना। जो कि एक्चुअल में हमारी ट्रिक होगी। इस ट्रिक में वो ऐप को ओपन भी करेगा लेकिन उसको यूज भी नहीं कर पाएगा। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना इस मजेदार ट्रिक्स के लिए। तो पहले हम ऐप को कर लेते हैं इंस्टॉल। हम जाते हैं प्ले स्टोर पे और सर्च करते हैं उप्स ऐप लॉक। ये के नोट के नाम से भी होता है। इसको हम कर लेते हैं इंस्टॉल। इंस्टॉल होने के बाद हम इसको कर लेते हैं ओपन। ओपन होने के बाद ये हमसे पासवर्ड मांगेगा। हम वॉल्यूम की मदद से इसमें पासवर्ड सेट कर देंगे। मैं सेट कर रहा हूँ अप अप डाउन डाउन। वर्चुअल बटन पोजीशन भी मांगता है। अगर हम चाहते हैं कि स्क्रीन पे बटन दिखें तो हम यहाँ से उसको कर सकते हैं। ये हम हटा भी सकते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। हम कर देते हैं नेक्स्ट। ये हमसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी मांग रहा है। अगर हम पासवर्ड को भूल जाते हैं तो इसकी मदद से हम इसको वापस से रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद ये हमसे कुछ परमिशन मांगता है। हम सारी परमिशन को कर देते हैं अलाउ। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो यार। फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो ये मैसेज दिखाएगा, दिस इज़ ए फेक वन नोट। ये नोट पैड की तरह ओपन हो जाएगा। अगर कोई इस एप्लीकेशन को खोलेगा तो उसे लगेगा कि ये नोट पैड है, ना कि कोई लॉक वाली ऐप है। तो मेन लॉक खोलने के लिए हम अपना वही पासवर्ड डालते हैं जो हमने स्टार्टिंग में डाला था, अप अप डाउन डाउन। तो ये हम वॉल्यूम की से प्रेस कर देते हैं तो आपकी ये मेन ऐप ओपन हो जाएगी। दोबारा खोलेंगे तो हमारे पास ये पॉपअप नहीं आएगा। अब हमने अपनी ऐप खोल ली है वॉल्यूम की मदद से। इसमें ऐप लॉक कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक कर सकते हैं और सेटिंग भी है। इसमें हम डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर को भी ऑन कर देते हैं ताकि कोई हमारी फोर्स स्टॉप वाली सेटिंग्स में जाके इसको फोर्स स्टॉप ना कर पाए। Nice. अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं जिस भी ऐप को हमें लॉक लगाना है या हम नहीं चाहते कि वो ओपन करे। मैंने अमेजोन पे लगा दिया है, इसको कर देते हैं ऑन। अब मैं जाता हूँ अमेजोन ऐप को खोलता हूँ तो आप देखो कि वो ऐप नहीं खुल रही है। ये वर्चुअल की आ गई है जो हमने स्टार्टिंग में डाला था। तो यहाँ से हम इनको हटा भी सकते हैं, तो मैं इनको पहले हटा देता हूँ। हम वापस से अपने उसमें जाएंगे, वॉल्यूम की दबाएंगे, ये हमारा खुल गया है। सेटिंग्स में जाके वर्चुअल बटन को हम डिसेबल कर देंगे। अब वापस से अगर मैं अमेजोन खोलूँगा तो ये ब्लैंक स्क्रीन दिखाएगा। ये ओपन नहीं, ये ओपन भी हो गई है लेकिन ब्लैंक स्क्रीन करके दिखा रहा है। तो दूसरे बंदे को लगेगा कि ये ऐप आपकी हैंग हो गई है या काम नहीं कर रही है। अगर वो हमारी लॉक ऐप को फोर्स स्टॉप करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। इसी तरह से हम एक और एप्लीकेशन पे लॉक लगा के देख लेते हैं। मैं खोलता हूँ ऐप सेटिंग्स से। मैं मान लो यूट्यूब पे लगाते हैं। YouTube हम ढूंढ लेते हैं। YouTube पे हम इसको लॉक लगा देते हैं। मैं वापस जाके YouTube को ओपन करूँगा तो ये हमारी ब्लैंक स्क्रीन शो कर रहा है। ये ऐप भी हमारी लॉक हो गई है। ना उसके पास कोई पासवर्ड मांग रहा है, ना कुछ और मांग रहा है, बस हमारे पास ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। आ भाई। कैसी लगी? उसे लगेगा कि हमारा फ़ोन हैंग हो गया है, ये एप्लीकेशन काम नहीं कर रही है। तो कैसी लगी ट्रिक? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।